हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड डूइंग वेल इन योर स्टडीज़. सो वी हैव कम्प्लीटेड अवर चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. चैप्टर ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन हमने कम्प्लीट कर लिया है, ठीक है. 1 to 8 वीडियो लेक्चर्स आर फ्रॉम द थ्योरी पार्ट और आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन. तो अभी तक लास्ट 30-34 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो नीट प्रैक्टिस की एक इकोलॉजी की वीडियो और भी है जिसमें 10 to 15 क्वेश्चन है एंड इसमें अराउंड 50 to 60 क्वेश्चन रहेंगे. एंड दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल कि किस तरह से क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं. सो यू विल हैव एन आइडिया कि एनसीईआरटी से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एंड आउट ऑफ एनसीईआरटी कैसे क्वेश्चन आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो, स्टार्ट करते हैं. सो टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. ए सिम्प्टोट इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन. अब बात आती है बेटा, व्हाट इज ए सिम्प्टोट? यहाँ पे ए सिम्प्टोट क्या है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन के इक्वल्स टू एन, जब यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन के इक्वल हो जाती है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के इक्वल हो जाती है, तो उसको हम ए सिम्प्टोट कहते हैं. व्हेन के इक्वल्स टू एन, इट मीन्स पॉपुलेशन ग्रोइंग इन एन हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज, तो पहले क्या होगा, लैग फेस आएगा, फिर लॉग फेस आएगा और फाइनली स्टेशनरी फेस आ जाएगा, ठीक है. तो स्टेशनरी फेस यानी कि ए सिम्प्टोट उसी में आता है जहाँ पे ग्रोथ रुक गई है, ठीक है. तो जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तब क्या होगा स्टूडेंट्स, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी विल इक्वल्स टू पॉपुलेशन डेंसिटी. तो के इज कैरिंग कैपेसिटी, एन इज पॉपुलेशन डेंसिटी. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? ए नहीं, के इक्वल्स टू एन, दैट इज बी, ठीक है. क्योंकि के की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, बी के इक्वल. कैरिंग कैपेसिटी विल इक्वल्स टू पॉपुलेशन डेंसिटी, सो बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइकोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ. आपको पता है माइकोराइजा किस किसकी एसोसिएशन होती है स्टूडेंट्स? माइकोराइजा में हमने क्या किया था, जस्ट वेट, माइकोराइजा में हमने क्या किया था स्टूडेंट, हमने किया था माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स. तो ये हमारी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है क्योंकि यहाँ पे फंजाई को भी फायदा हो रहा है एंड रूट्स को भी फायदा हो रहा है, सो दैट इज म्यूचुअलिज्म. डी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. स्टूडेंट हमने गॉस प्रिंसिपल में किया था कि जब भी दो स्पीशीज़ के बीच में कॉम्पिटिशन रहता है, सो टू स्पीशीज़, क्योंकि वहाँ पे दोनों स्पीशीज़ एक जगह सर्वाइव नहीं कर सकती, तो जो भी कॉम्पिटिटिवली स्ट्रॉन्ग होगी वो वहाँ पे रह जाएगी एंड जो इन्फीरियर स्पीशीज़ होगी, कॉम्पिटिटिव इन्फीरियर होगी, वो वहाँ से निकल जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी. सो दैट मीन्स गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट नो स्पीशीज कैन ऑक्युपाई द सेम निक एंड दैट हैविंग सेम टाइम्स ऑफ रिसोर्स दैट दे यूज, जो सेम तरह की रिसोर्सिस को यूज़ करते हैं, दे कैन नॉट सर्वाइव एट द सेम प्लेस. सो ऑप्शन आर ए, कंपिटिशन फॉर द सेम ग्रोथ रिसोर्सेज, स्पीशीज नॉट टू स्पीशीज कैन ऑक्युपाई द सेम नाइक एंड फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्सेज, लार्जर ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूड स्मॉलर वन थ्रू कॉम्पिटिशन, मोर अबेंडेंट स्पीशीज. तो बेटा बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि दोस्त एक जैसी स्पीशीज जिसका नाइक एक है, जिसका प्रोफेशन एक है, एक ही तरह के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, दे कैन नॉट सर्वाइव इन द सेम प्लेस. नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल्स टू 0. पॉपुलेशन ग्रोथ 0 कब होगी? अगर हम लॉजिस्टिक मॉडल की बात करें जहाँ dn अपॉन dt इक्वल्स टू rn ब्रैकेट 1 माइनस एन ओवर के. दिस इज नीट 2016 क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट वन. कि तो यहाँ पे देखिए बेटा, ऑप्शंस क्या है, व्हेन एन नियर्स द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हैबिटेट, व्हेन एन बाय के इक्वल्स टू 0, व्हेन रेट रेट इज ग्रेटर देन बर्थ रेट, या एन बाय के इज एग्जैक्टली 1. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप, अगर हम लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की बात करें तो उसका जो इक्वेशन रहती है दैट इज dn बाई dt इक्वल्स टू rn ब्रैकेट k माइनस n ओवर k, ठीक है. सो आई थिंक d विल बी द राइट आंसर है.
यहाँ पे डी राइट आंसर रहेगा. व्हेन एन बाय के इज एग्जैक्टली 1, ठीक है, सो डी विल बी द राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. इट इज़ मच ईजियर फॉर अ स्मॉल एनिमल टू रन अपहिल देन फॉर अ लार्ज एनिमल बिकॉज, ठीक है, जो स्मॉल एनिमल है वो इट इज़ मच ईजियर फॉर अ स्मॉल एनिमल टू रन अपहिल देन अ लार्ज एनिमल. ओके, अगर आपको ऊंचाई की तरफ अगर कहीं मतलब रन करना है, दौड़ना है, तो छोटा एनिमल ईजिली भाग पाएगा और बड़ा एनिमल नहीं, ठीक है, या चढ़ पाएगा इजिली. तो क्या रीज़न रहेगा? ए, स्मॉलर एनिमल हैव हायर मेटाबॉलिक रेट. बी, स्मॉलर एनिमल हैव लोअर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट. सी, द एफिशिएंसी ऑफ मसल्स इन लार्ज एनिमल इज लेस देन इन स्मॉल एनिमल. डी, इट इज ईजियर टू कैरी स्मॉल बॉडी वेट. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो अगर हम बात करें बेटा BMR की, जिसको बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, दैट इज़ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉडी साइज. यानी कि बॉडी साइज कम है तो BMR ज़्यादा होगा, बॉडी साइज ज़्यादा है तो BMR, मतलब बॉडी साइज ज़्यादा है तो BMR कम होगा, बॉडी साइज कम है तो BMR ज़्यादा होगा. तो स्मॉल एनिमल्स का मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है और उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए. तो इट विल ए विल बी द राइट आंसर. ठीक है, स्मॉलर एनिमल हैव हायर मेटाबॉलिक रेट. तो हायर मेटाबॉलिक रेट इसीलिए है क्योंकि उनके बॉडी साइज छोटा है और वो इजीली चढ़ पाएंगे ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वॉज स्टेटेड बाय. तो अभी अभी हमने किया गॉज प्रिंसिपल है वो, सो बी विल बी द राइट आंसर. गॉज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अभी अभी हमने बात की. गॉज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? सो नो टू स्पीशीज कैन दैट हैव सेम रिसोर्स रिक्वायरमेंट दैट कैन नॉट सर्वाइव एट द सेम प्लेस. एक ही जगह पे वो सर्वाइव नहीं कर सकती. नेक्स्ट, इफ पॉजिटिव साइन इज असाइन टू बेनिफिशियल इंटरेक्शन. अगर पॉजिटिव साइन का मतलब है कि दो पॉपुलेशन, दो स्पीशीज के बीच में एक बेनिफिशियल इंटरेक्शन है, पॉजिटिव इंटरेक्शन है, और नेगेटिव का मतलब डेट्रीमेंटल, जिसमें नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. तो और जीरो का साइन का मतलब है कि न्यूट्रल इंटरेक्शन है. देन अगर आपके पास एक स्पीशीज पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है और एक पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये कैसा पॉपुलेशन इंट्रैक्शन होगा? म्यूचुअलिज्म, एमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म या फिर पैरासिटिज्म. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पैरासिटिज्म विल बी द राइट आंसर, क्योंकि पैरासाइट इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड यूज इट एज अ फूड एंड शेल्टर. तो यहाँ पे पैरासाइट को तो फ़ायदा होगा और जिस होस्ट बॉडी पे रह रहा है उसको नुकसान होगा. सो डी विल बी द राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर सेलेक्टेड स्पीशीज. अब मैंने आपको कहा था कि आर क्या होता है बेटा? आर होता है जिसका इंटेंसिटी रेट काफ़ी अच्छा हो, ठीक है. तो आर सेलेक्टेड स्पीशीज कौन सी होंगी? आर सेलेक्टेड स्पीशीज आर द स्पीशीज दैट हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो स्मॉल साइज के और लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें. सो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी. इसमें से हम बात करेंगे लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉल साइज, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद लार्ज साइज, स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉल साइज, स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी विद लार्ज साइज. तो ए विल बी द राइट आंसर. ठीक है, यहाँ पे ए जो है राइट आंसर रहेगा. ठीक है, ए क्या कह रहा है? लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद अ स्मॉल साइज, दिस इज आर सेलेक्टेड स्पीशीज. ठीक है, जिनमें इंटेंसिटी रेट ज़्यादा होता है, ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल या ज़्यादा प्रोजेनी वो बना सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9. An association of individual of different species living in same habitat having functional interaction is. तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर different species के individual है, एक ही habitat में रह रहे हैं और काफ़ी अच्छी interaction उसके अंदर है, तो हम इसको क्या कहेंगे? Ecological like कहेंगे, biotic community, ecosystem या population, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे students? That is biotic community. जहाँ एक साथ बहुत सारी populations रह रही होती है, that is biotic community. B will be the right answer. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन पार्टनर्स आर एडवर्सली इफेक्टेड, जिसमें दोनों पे ही नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है. एडवर्सली इफेक्ट का मतलब बुरे तरीके से, गलत तरीके से प्रभावित हो रही है. सो यहाँ पे देखिए बेटा, प्रीडेशन में एक पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और एक पे नेगेटिव. म्यूचुअलिज्म में दोनों पे पॉजिटिव होता है, पैरासिटिज्म में एक पे नेगेटिव होता है, एक पे पॉजिटिव होता है, कॉम्पिटिशन में दोनों में नेगेटिव. सो ए विल बी द राइट आंसर हेयर. ठीक है, दोनों ही पार्टनर्स को नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. सो कॉम्पिटिशन में ऐसा होता है. ठीक है, कंपटीशन में कोई एक जीतता है और एक हारता है. ठीक है, तो दोनों के लिए ही एक दूसरे स्पीशीज जो है नेगेटिव इम्पैक्ट रखती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिस्ट स्टडीड द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इन अ बार्न. ही फाउंड दैट एवरेज नेटेलिटी वॉज, नेटेलिटी होता है स्टूडेंट्स
बर्थ रेट, तो एवरेज बर्थ रेट कितनी है 250, एवरेज मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट है 240, इमिग्रेशन वहाँ नए रेट कितने आ गए 20, एमिग्रेशन वहाँ से रेट चले कितने गए 30, तो नेट कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो बेटा कितना इंक्रीज हुआ कैसे निकालेंगे? तो इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन, अगर आपको पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है तो आपको पता है जितने बर्थ रेट हुए हैं और जितना एमिग्रेशन हुआ है, इमिग्रेशन हुआ है, दैट इज़ बर्थ रेट बी एमिग्रेशन आई, ये दोनों तो पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। एमिग्रेशन वहाँ से कितने चले गए और मोर्टेलिटी डेथ रेट कितना हुआ है ये डिक्रीज करता है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे बेटा, पहले आप बर्थ रेट और इमिग्रेशन को ऐड कर दें। ठीक है, बर्थ रेट का है ये नेटेलिटी 250 दिस एंड इमिग्रेशन 20, 250 एंड 20 को आप ऐड कर देंगे और उनको माइनस कर देंगे मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन के एडिशन से, यानी कि इन दोनों को पहले आप ऐड कर लें, इन दोनों को भी ऐड कर लें, इन दोनों को भी ऐड कर लें, और फिर जो आंसर आएगा उसको आप इन दोनों में से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ अगर हम 250 प्लस 20 270, 240 प्लस 30 270, तो 270 माइनस 270 कितना हो गया, ज़ीरो हो गया ना। दैट मीन्स ना तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई ना ही डिक्रीज हुई, सो डी ज़ीरो विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब, डिकम्पोजिशन में क्या प्रोसेस होती है? ए फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट बाई ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म, बी ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड सब्सटेंस ह्यूमस अंडर माइक्रोबियल एक्शन एट अ वेरी फास्ट रेट, सी कैटाबोलिज्म लास्ट स्टेप इन द डिकम्पोजिशन अंडर फुली एरोबिक कंडीशन, डी लीचिंग वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स राइज टू द टॉप लेयर ऑफ सॉइल। सो देखिए स्टूडेंट, इनमें से करेक्टली डिस्क्राइब है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना, तो सबसे पहला स्टेप है डिकम्पोजिशन में फ्रेगमेंटेशन, बाकी सारे स्टेप्स बाद में आते हैं। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन में स्पेसिफिकली क्या किया जाता है कि जो कुछ भी बड़ा मटेरियल है, फॉर एग्जाम्पल लीफ है या ट्विग है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में किया जाता है एंड दैट इज डन बाय डेट्रीवोर, तो अर्थवर्म डेट्रीवोर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सो ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन के बाद ही ह्यूमस बनेगी। ठीक है, और उसके बाद ही अगली प्रोसेस शुरू होगी कैटाबॉलिज्म या फिर लीचिंग। सो ए विल बी द राइट आंसर है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप फ्रेगमेंटेशन से ही स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अ सेडेंटरी सी एनीमोन गेट अटैच टू द शेल लाइनिंग ऑफ हर्मिट क्रैब। तो देखिए बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों को फ़ायदा है, तो दोनों को फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हर्मिट क्रैब को भी फ़ायदा हो रहा है और सी एनीमोन को भी यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। कैसे फ़ायदा हो रहा है, देखिए जो सी एनीमोन दैट विल ग्रो ऑन द बैक ऑफ हर्मिट क्रैब, तो सी एनीमोन क्या करेगा, क्रैब को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि उसके पास नेमेटोसिस्ट है, उसके पास स्टिंगिंग सेल्स है। ठीक है, और तो एक्टोपैरासाइट की तरह ये बाहर रह रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें इस तरह की एसोसिएशन जहाँ दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, एक को फूड रिसोर्स मिल रहा है साथ साथ में और एक को जो है हेल्प मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है और एक को फूड रिसोर्स मिल रहा है, सो दोनों को हम कहेंगे कि एक को यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, सॉरी यहाँ पर हर्मिट क्रैब को। द सीडेंटरी सी एनीमोन गेट अटैच टू द शेल लाइनिंग ऑफ हर्मिट क्रैब, तो यहाँ पे सी एनीमोन को फ़ायदा हो रहा है और हर्मिट क्रैब को ना तो इससे कोई फ़ायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान हो रहा है, तो डेट इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो इस तरह की एसोसिएशन को हम कह सकते हैं कमेंसलिज्म। ठीक है, जहाँ पे एक को फ़ायदा हो और एक को कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं हो, लेकिन आई थिंक यहाँ पे दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है दिस केस में। ठीक है, सी एनीमोन को क्या फ़ायदा हो रहा है स्टूडेंट्स, सी एनीमोन को तो फूड रिसोर्स मिल रहा है, जहाँ जहाँ हर्मिट क्रैब जाएगा वहाँ वहाँ उसको फूड मिलेगा, और हर्मिट क्रैब को क्या फ़ायदा हो रहा है, उसको प्रोटेक्शन मिलेगी क्योंकि सी एनीमोन के पास सीलेंट रेट है, तो उसके पास स्टिंगिंग सेल्स है उसके टेंटेकल्स में, तो आई थिंक दोनों को फ़ायदा हो रहा है। सो दिस विल बी सिम्बायसिस, बी विल बी द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन 14 देखिए बेटा, एज पिरामिड का डायग्राम है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव आपको दिखा रखा है। तो इस डायग्राम में देखिए प्री रिप्रोडक्टिव कम है, यानी कि आने वाले समय में पॉपुलेशन कहीं ना कहीं कम होगी। सो यहाँ पे ये कैच वैनिशिंग का मतलब है ख़त्म हो जाएगी पॉपुलेशन, स्टेबल रहेगी, सी डिसलाइनिंग कम हो जाएगी, एक्सपेंडिंग बढ़ेगी। सो सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव अगर कम हो तो आने वाले समय में पॉपुलेशन हमेशा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग फोर कंडीशंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। ठीक है, इन रिगार्ड टू द एडेप्टेशन ऑफ एनवायरमेंट इन डेजर्ट लिजार्ड। देखिए डेजर्ट लिजार्ड क्या करती है भाई, कंडीशंस देखते हैं, बुरोइंग इन सॉइल टू एस्केप हाई टेम्परेचर, सेकंड दे रखा है लूजिंग हीट रैपिडली फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर,
नेक्स्ट है बास्क इन सन व्हेन टेम्परेचर इज लो. फोर है इंसुलेटिंग बॉडी ड्यू टू थिक फैटी डर्मिस. ठीक है, तो बेटा डेजर्ट लिजार्ड ये बात सही है कि वो सन में आ जाते हैं, जब उनको बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है तो दे कम इन सन. ठीक है, सन में आ जाती है. और दूसरी बात ये है कि वो जो है सॉइल के अंदर भी वो बुरा बनाकर या छेद बनाकर जो है अंदर चले जाते हैं, ताकि वो सरफेस ग्राउंड की जो हीट है उससे बच सके. सो फर्स्ट एंड थर्ड बी विल बी द राइट आंसर हियर. क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज एज अ पैरासाइट इन अ ट्रू सेंस. इसमें से आप किसको पैरासाइट कहेंगे, फीमेल एनोफिलीज जो ह्यूमन ब्लड को सक करती है, बी ह्यूमन फिटस जो यूट्रस के अंदर डेवलप हो रहा है, मदर से न्यूट्रिशन भी ले रहा है, सी हेयर लाइस जो सर में जुएं होती है वो वहाँ रह भी रही हैं, खा भी रही हैं, डी जो कुकू बर्ड है. आपने ब्रूड पैरासिटिज्म के बारे में पढ़ा होगा. ठीक है, तो यहाँ पर ट्रू सेंस में पैरासाइट जो यहाँ पे है दैट विल बी द सी हेयर लाइस. हेयर लाइस क्या होती है, सर पे रहती है, शेल्टर भी वहीं से ले रही है और अपना जो है ब्लड सक करती है तो फूड भी वहीं से ले रही है. सी विल बी द राइट आंसर. डायग्राम देखिए बेटा, ये डायग्राम आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा. एक हमने थ्री टाइप्स के ऑर्गेनिज्म किए थे ना, एक किए थे जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सकते हैं जिनको हम बोलते हैं रेगुलेटर्स. ठीक है, और एक होते कन्फर्मर जो नहीं कर सकते, और एक हमने किया था पार्शियल रेगुलेटर, किया था पार्शियल रेगुलेटर. सो आप बताइए कि फिगर वन पॉइंट जो ग्राफ में जो लाइन्स है 1, 2 और 3 ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन. वन इज़ रेगुलेटर, बी इज़ कन्फर्मर एंड सी इज़ पार्शियल रेगुलेटर. सो यहाँ पे डी ऑप्शन में सही चीज़ें दे रखी है. सो डी विल बी द राइट आंसर. ठीक है, देखिए ग्राफ भी इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में जो ग्राफ है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द करेक्टर्स ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी. बायोलॉजिकल कम्युनिटी में आपको क्या करेक्टर देखने को मिलता है, स्ट्रेटिफिकेशन, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी या फिर सेक्स रेशियो. जब भी आप किसी कम्युनिटी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कम्युनिटी की बात करते हैं, कम्युनिटी का मतलब है जब बहुत सारी अलग अलग पॉपुलेशन रहती है, तो ऐसा तो नहीं है कि सब एक ही जगह जो है रह रही है, मतलब सॉरी एक ही लेवल पे है. तो ऐसा हो सकता है अगर आप मान लीजिए फॉरेस्ट की बात करें, कुछ ग्रास है छोटा है, फिर उससे हर्ब्स है, श्रब्स है और फिर बड़े ट्रीज हैं. ठीक है, तो एक लेवल्स है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है. तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी में जब भी हम बात करें छोटे लेवल से बड़े लेवल की या बड़े लेवल से छोटे लेवल की, तो एक लेवल्स होते हैं. तो इसको मैं स्ट्रेटिफिकेशन विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19, अ कंट्री विद अ हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ टुक मेयर्स टू रिड्यूस इट एंड फिगर बिलो शोन द एज पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन ए एंड बी 20 years. सेलेक्ट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन. अगर भाई पॉपुलेशन रेट ज़्यादा है और उसको कम करना है तो वट विल बी द राइट क्राइटेरिया. तो क्या है बेटा, फर्स्ट में देखिए आप एक एज पिरामिड दे रखा है जिसमें 0 to 9 मतलब प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले नीचे हैं, फिर बीच में रिप्रोडक्टिव और लास्ट में पोस्ट रिप्रोडक्टिव. ठीक है, दोनों डायग्राम्स में देख लीजिए मेल एंड फीमेल्स का. सो क्या ऑप्शंस हैं, ए इज़ मोर रिसेंट एंड स्लो शो साइट स्लाइट रिडक्शन इन द ग्रोथ रेट, बी इज़ अर्लियर टाइप पिरामिड एंड शो स्टेबलाइज ग्रोथ रेट, बी इज़ मोर रिसेंट एंड शोइंग द पॉपुलेशन इज़ वेरी यंग, डी ए इज़ अर्लियर पिरामिड एंड नो चेंज हैज़ अकर्ड. ठीक है, तो अगर इन फिगर्स को हम अच्छे से स्टडी करें तो इसका मतलब है फिगर ए ऊपर वाली है, बी नीचे वाली है. तो बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव एज आने वाले समय यहाँ पे कम है और ऊपर का भी कम है, तो ये लग रहा है कि ये पुराना ओल्ड टाइप का है. सो आई थिंक ए वन ये ए है और ये बी है, ए वाला जो है एज पिरामिड ये ज़्यादा रिसेंट है और रिडक्शन ग्रोथ रेट में कम है. सो ए विल बी द राइट आंसर है, ए ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन 20, रिडक्शन इन वैस्कुलर टिश्यू मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ. किसमें वैस्कुलर टिश्यू मैकेनिकल टिश्यू और क्यूटिकल वही कम होगा, जीरोफाइट, मेसोफाइट, एपिफाइट्स या हाइड्रोफाइट्स. जो पानी में रहते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, डेजर्ट में रहते हैं तो जीरोफाइट जहाँ पे पानी कम हो, और एपिफाइट का मतलब जो किसी और ट्री पे रहते हैं छोटे प्लांट्स. ठीक है, किसी और ट्री की हेल्प लेकर रहते हैं, और मेसोफाइट होते हैं जो हर जगह पे ग्रो कर सकते हैं. तो आई थिंक हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं क्योंकि वो पानी में रहते हैं तो उन्हें जाइलम फ्लोएम की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है. सो आई थिंक डी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको डेजर्ट एनिमल जैसे कैंगरू रेट है उसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स देखनी है. नंबर 1, दे हैव डार्क कलर एंड हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीट सॉलिड यूरिन. बी,
they don't drink water and breathe at a slow rate to conserve water, and they have body covered with thick hairs. Next, they feed on dry seeds and do not require drinking water. Next, they excrete very concentrated urine and do not use water to regulate body temperature. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है? तो पहली बात तो है भाई, कैंगरू रेड डेजर्ट में रहते हैं तो वो ड्राई सीड्स फीड करते हैं और वो पानी कभी नहीं पीते हैं, और उनका जो ज़्यादातर वाटर रिक्वायरमेंट है वो उनकी बॉडी फैट से और जो मेटाबॉलिक वाटर है उसी से पूरी हो जाती है. ठीक है, और वो बुरा बना के भी रहते हैं ताकि उन्हें दिन के समय में ज़्यादा जो है उनको सरफेस हीट से वो बच सके. ठीक है, और थिक या हम कहें सॉलिडिफिकेशन भी देखने को मिलता है यहाँ पे एक्सक्रीटरी मैटर का. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर. ठीक है, क्योंकि आप देख लीजिए, ये वाटर नहीं ड्रिंक करते हैं, दे फीड ऑन ड्राई सीड एंड डोंट ड्रिंक वाटर. सो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो ये सी ऑप्शंस में है. क्वेश्चन 22, द टेबल, एक टेबल गिवन है भाई पॉपुलेशन के बारे में. 10 स्पीशीज हैं ए टू जे, 4 एरियाज यहाँ पे कवर हैं, एंड इन्होंने बताया है वी हैव टू स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन. ओके, तो यहाँ पे विच एरिया आउट ऑफ ए टू डी शो मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी किस में ज़्यादा है? स्पीशीज डाइवर्सिटी किस में ज़्यादा है भाई? तो देखिए, अगर हम बात करें, कंपेयर करें स्पीशीज डाइवर्सिटी को, तो आप देखिए ए वाले के अंदर अगर हम देखें, देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है. यहाँ पे मिसिंग है, डी में मिसिंग है, ई में मिसिंग है. ठीक है, और कंप्लीट है किस में? कंप्लीट हमारे पास सिर्फ है सी और एफ और एच जे, ये 3-4 के अंदर कंप्लीट है, और इनमें से डाइवर्सिटी जो ज़्यादा नज़र आ रही है दिस इज़ इन सी. ठीक है, सी के अंदर डाइवर्सिटी ज़्यादा है. यहाँ पे आप कंपेयर कर लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा नंबर एरिया एंड नंबर ऑफ हैबिटेट. या ए में हैबिटेट हमारे पास 11 है, बी में 11 है, यहाँ 13 है, और यहाँ तो सी में हर जगह कुछ ना कुछ मिस है. यहाँ भी मिस है, यहाँ हर हैबिटेट में कुछ ना कुछ मिसिंग है, लेकिन यहाँ पे कुछ मिसिंग नहीं है इसमें और इसमें. ठीक है, इस तरीके से आप देखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट आप देखिए, तो यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर. ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर है. मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी सी में होगी, सी एरिया में. नेक्स्ट, अ हाई डेंसिटी ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन एन एरिया रिजल्ट इन, अगर एलिफेंट की नंबर ज़्यादा हो जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो जाए, तो भाई क्या होगा? स्पीशीज कॉम्पिटिशन, म्यूचुअलिज्म होगा, कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो जाएगा स्पीशीज के अंदर, या डिफरेंट स्पीशीज के अंदर, इंटर स्पेसिफिक मतलब डिफरेंट, इंट्रा मतलब सेम स्पीशीज के अंदर, या फिर प्रीडेशन प्रेशर बढ़ जाएगा. क्या होगा भाई? देखिए, एलिफेंट्स के बीच में ही कंपटीशन बढ़ जाएगा. ठीक है ना, तो ऐसे कंपटीशन जो सेम स्पीशीज में हो, इंट्रा स्पेसिफिक, बी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24, द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज शोज एन एक्सप्लोसिव इंक्रीज इन नंबर्स ड्यूरिंग रेनी सीजन फॉलोड बाय इट्स डिसअपीयरेंस एंड एट द एंड ऑफ सीजन, व्हाट डज दिस शो? एक इंसेक्ट्स की स्पीशीज है जिसमें अगर आप रेनी सीजन में देखो तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और बाद में एकदम से ख़त्म भी हो जाती है. ठीक है, तो कैसा ग्रोथ भाई? जब तक इनको फूड रिसोर्स मिल रहा है तब तक इनकी ग्रोथ चलती रहेगी. ठीक है, और एकदम से, ठीक है, तो अगर फूड रिसोर्सेज, अगर रेनी सीजन है तो जब तक इनका सीज़न रहेगा तब तक इनकी ग्रोथ जो है बढ़ती रहेगी, फिर एकदम से ही डिसअपियर हो जाएंगे. तो कैसा ग्रोथ कर रहा है भाई ये? एस शेप है, या बी की बात करें फूड प्लांट्स इनके मैच्योर हो गए और डाई हो गए रेनी सीजन में, या इनकी पॉपुलेशन जे शेप है, या फिर पॉपुलेशन प्रीडेटर्स की वजह से इंक्रीज हो रही है, उनके प्रीडेटर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो क्या रीज़न होगा भाई यहाँ पे? तो इनका पहली बात तो जो ग्रोथ करवाएगा बेटा वो जे शेप है. ठीक है, क्योंकि एनॉर्मस इंक्रीज है. ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर से हम क्या शो करते हैं भाई? पॉपुलेशन को शो करते हैं, बी विल बी द राइट आंसर. ठीक है, किसको शो करते हैं? पॉपुलेशन, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव
रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव की बात करें तो एज ग्रुप की बात करें तो पॉपुलेशन विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 26, इफ द मीन एंड मीडियन परटेनिंग टू अ सर्टेन करेक्टर ऑफ अ पॉपुलेशन आर सेम वैल्यू द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली टू अकर. अगर मीन और मीडियम सेम है किसी भी करेक्टर का पॉपुलेशन में तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम होगा, इंडिविजुअल्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, या फिर बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या टी शेप कर्व होगा, या स्क्रूड कर्व होगा. तो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है ना, मीन मोड मीडियम इक्वलेंट होता है, सो यहाँ पे नॉर्मल ही रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ए. द फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ इज dt by dn equals to rn, rn by dn by dt, dn rn equals to dt, dn by dt equals to rn. तो आपको क्या पता बेटा, आपको क्या याद है, अगर हम बात करें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में क्या होता है, ग्रोथ रुकती नहीं है ना, जे शेप ग्रोथ कर्व रहता है. तो जे शेप में हमने पढ़ा था जब हमने चैप्टर किया था कि dn over dt, ठीक है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज इक्वल्स टू इंट्रिंसिक रेट आर एन, सो डी विल बी द राइट आंसर हेयर. नेक्स्ट, नाइक ओवरलैप इंडिकेट्स, नाइक बोले या नीच बोले, दैट इज कि हर ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक रोल होता है अपने इकोसिस्टम में, तो उसको हम नाइक या नीच बोल सकते हैं. तो नाइक ओवरलैप इंडिकेट्स, अगर दो तरह के नाइक एक जगह पे ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दो स्पीशीज क्लोजली एसोसिएटेड है, मतलब वो कहीं ना कहीं एक ही हैबिटेट में है, ठीक है. तो जो इकोटोन वगैरह होते हैं दो इकोसिस्टम का, जहाँ पे एक हम उसको कहेंगे जब एक बाउंड्री होती है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं. सो वट विल बी द राइट ऑप्शन, एक्टिव कॉपरेशन बिटवीन टू स्पीशीज टू डिफरेंट पैरासाइट ऑन सेम हो, शेयरिंग वन और मोर रिसोर्स बिटवीन टू स्पीशीज, ठीक है, या फिर म्यूचुअलिज्म बिटवीन टू स्पीशीज, क्या होगा भाई, इसका मतलब है वो एक ही तरह की चीज़ों को यूज़ कर रही है ना, शेयरिंग वन और मोर रिसोर्स बिटवीन टू स्पीशीज या टू डिफरेंट पैरासाइट ऑन, अच्छा ठीक है, दो अलग अलग तरह के पैरासाइट और सेम होस्ट को यूज़ कर रहे हैं तभी वो ओवरलैप, जैसे एक नाइक ये है एक ये है, तो यहाँ पे वो ओवरलैप कर रहे हैं. शेयरिंग ऑफ वन और मोर रिसोर्सेज बिटवीन द टू स्पीशीज, इसका ऑप्शन बी और सी में से हो सकता है, बी विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट. नेक्स्ट, एनुअल माइग्रेशन डज नॉट अकर इन केस, माइग्रेशन कम नहीं होती भाई, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कौन नहीं जाता, सैल्मन फिश, साइबेरियन क्रेन, सैलामेंडर या आर्कटिक फर्न, ठीक है, कौन नहीं जा पाएगा, बट विद बी द राइट आंसर है. देखिए बेटा, सैल्मन फिश की हम बात करें तो वो आपको पता है एडल्ट टाइम में वो सी में होती है, और जब उसको देन इट रिटर्न्स टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, जब उसको एगलिंग करनी होती है तो वो फ्रेश वाटर में आती है. तो सैल्मन फिश जो है एनाड्रोमस नेचर की है, ठीक है, और अगर हम बात करें सैलामेंडर की तो ये सेमी टेरेस्ट्रियल लिजार्ड है, तो सी विल बी द राइट आंसर है. साइबेरियन क्रेन आपको पता है भरतपुर राजस्थान में कोलंडो नेशनल पार्क में हर साल आती है माइग्रेटर्स की तरह, ठीक है, और वापस भी लौट जाती हैं, तो बी विल बी द राइट आंसर है, सॉरी सी, सैलामेंडर, ठीक है, क्योंकि दे शो हाइबरनेशन, हाइबरनेशन शो करते हैं विंटर स्लीप, ये एनुअल माइग्रेशन नहीं शो करते, बाकी सब एनुअल माइग्रेशन शो करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, सैलामेंडर. क्वेश्चन नंबर 30, प्रेइंग मैंटिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ मलेरियन मिमिक्री, वार्निंग कलरेशन, सोशल इंसेक्ट्स या कॉमोफ्लेज. प्रेइंग मैंटिस जो है एक सोशल इंसेक्ट है, ठीक है, और उसकी बॉडी में लगभग 10 सेगमेंट्स होते हैं, विंग्स उसके बहुत अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, और ये कुछ हार्मफुल इंसेक्ट्स को किल भी कर सकता है, ठीक है, तो हमारे लिए तो फायदेमंद ही है, सोशल इंसेक्ट है. नेक्स्ट, 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्पीशीज, स्पीशीज के लिए क्या बात सही नहीं है. मेंबर ऑफ अ स्पीशीज कैन इंटरब्रीड, वेरिएशन अकर अमंग मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज, ईच स्पीशीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरी अदर स्पीशीज, जीन फ्लो डू नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज, ठीक है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू,
कौन सी ट्रू नहीं है भाई, जीन फ्लो नहीं हो सकता पॉपुलेशन में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो डी विल बी रॉन्ग आंसर है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, एनिमल्स हैव इनेट एबिलिटी, इनेट मतलब बाय बर्थ, टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेशन, ठीक है, एनिमल्स अपने आप को बचा सकते हैं भाई अपने प्रीडेटर्स से, मतलब अपने शिकारी से अपने आप को बचा सकते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ डिफेंसिव तरीका होता है। तो इसका एग्जांपल क्या है भाई, आपको इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है, एलार्जमेंट ऑफ बॉडी साइज बाय स्वेलोइंग एयर इन पफर फिश, मेलानिज्म इन मोथ्स, पॉइजन फैंग्स इन स्नेक्स, कलर चेंजेस कैमलियन। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन सा यहाँ पे गलत होगा, तो पॉइजन फैंग्स ठीक है, स्नेक भी डराता है भाई, मोथ्स दिखाई नहीं देते अगर वो डार्क कलर के बैकग्राउंड में होंगे, डार्क मोथ्स डार्क कलर के बैकग्राउंड में दिखाई नहीं देंगे, ये भी सही है पफर फिश वाला। तो चेंज इन कैमलियन ये क्या करता है, कॉमोफ्लेज करता है, अपने आप को बैकग्राउंड में छुपा लेता है, ठीक है, अपने आप को बैकग्राउंड में छुपा लेता है, तो दिस विल बी इनकरेक्ट, ठीक है, ये प्रीडेशन से रिलेटेड नहीं है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि कॉमोफ्लेज जिसमें बैकग्राउंड में छुपाना होता है ना, दैट इज कॉमोफ्लेज एक्चुअली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच, तो मिसमैच यहाँ पे आपको दे रखे हैं। देखिए बेटा अगर हम बात करें पेरिस सवाना की बात करें, तो सवाना में एसेशिया ट्रीज होंगे, ग्रासलैंड है ना, क्योंकि टुंड्रा के अंदर परमाफ्रॉस्ट एरिया होगा जहाँ हमेशा बर्फ से ढके, कॉनिफेरस फॉरेस्ट एवरग्रीन ट्रीज होंगे यहाँ पे, और पेरिस यहाँ पे टॉल ग्रासेस या शर्ब्स होंगे। तो मिसमैच कौन सा है यहाँ पे, ये भी सही है, ये भी सही है, सवाना भी सही है, बी विल बी द रॉन्ग आंसर है, ठीक है, तो 33 का बी आएगा। नेक्स्ट 34, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज स्पेसिफिक करेक्टर ऑफ सॉइल करेक्टली नॉट करेक्टली मैच, ब्लैक सॉइल रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा क्या है कैरोजेम्स रिचेस्ट सॉइल इन द वर्ल्ड, टेरा रोसा मोर सुटेबल फॉर रोजेस, या लेटराइट कंटेन्स एल्यूमिनियम कंपाउंड। तो बेटा ब्लैक सॉइल के बारे में तो आप सभी जानते हो, डार्क कलर की होती है इसलिए इसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं, ठीक है ना, और कॉटन सॉइल भी इसको हम बोलते हैं, तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटैश लाइम ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, तो तो विच इज़ नॉट करेक्टली मैच, लेटराइट यहाँ पे ब्लैक सॉइल डार्क होती है, डार्क ब्राउन कलर की होती है, तो सॉरी ये डेफिशिएंट होती है, इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटैश ये सब नहीं होता, ठीक है, तो ब्लैक सॉइल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होंगे, ठीक है ना, हाँ, तो डी विल बी द राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ये समझ आ गया ना भाई, क्वेश्चन नंबर 34 में डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम जो है ज़्यादा है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ की स्टोन स्पीशीज,